ईरान के क्रूज मिसाइल इसराइल पे जा बसे। हाँ सही है, ठोक दे मैंने, ठोक दे, चला आए चली पाकिस्तान जिंदाबाद। हले दस ईरान हमला कर दिया इसराइल से, इंशाल्लाह इगर करेगा, इगर करेगा, हम भी जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। छोड़ा है हुण साडी दुआ है कि अल्लाह ईरान नु फतह नसीब करे। एक दफा तुसी भी कमेंट च आमीन लिख दियो, दिलो दुआ। पता चला है कि रात तकरीबन 12:30 तो लैके 2 बजे के अंदर अंदर जड़ा ना ईरान ने हमला किया इसराइल उत्ते। थे कोई घंटे का सफर च जनाब इसराइल के कुछ शहरों के बिच मिजाइल पहुंचे ईरान के, करोर मिजाइल हैं। मैं जी दुआ कर तू भी इंशाल्लाह ईरान नू फतह नसीब होवे। अगर जवाबी हमला मिलता है ना ईरान नू तो फिर जंगे अजीम बनेगी, अगर नहीं तो फिर इसराइल इंशाल्लाह निस्तो नाबूद असी तबाह बर्बाद असी। बाकी हर मुस्लिम ममालिक नू कोशिश करनी चाहिए है कि भरपूर कोशिश करे इसराइल नू ख़त्म करन दी, ईरान दा साथ देन दी, ईरान वास्ते दुआवां करन दी। अगर उन्हें हमला कर छोड़ा तो सानू दुआवां देनी चाहिए। कसम है दिलों खुशी हुई है कि ईरान ने हमला किया, साढ़े मुस्लिम भाई छोटे छोटे बच्चे उत्थे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उन्होंने छोटिया छोटिया जाना दे वो कितना माशरे च उन्होंने हिसाब किताब देना है, वो असा देना जेडे चुप करके घर बैठे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ईरान वास्ते दुआ करो फतह नसीब होवे, निस्तो नाबूद होवे, इसराइल की सरजमीन इस दुनिया तो ख़त्म होवे, ख़त्म हो जाए, नाम निशानी ख़त्म हो जाए, अल्लाह कामयाबियां देवे। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिल सकता है, अपने पिरा इजाजत दो अगली वीडियो वास्ते, दुआवां जरूर करनियां ईरान वास्ते, सानू भी कोशिश करनी चाहिए कि असीं भरपूर हिस्सा लवीए। अल्लाह हाफिज़।